अब सवाल में बोला है कि ए ने इस पर 3 दिन काम किया है। सुनना, ए ने इस पर 3 दिन काम किया, बी ने इस पर 4 दिन काम किया, सी ने 7 दिन काम किया। तो अब हमारे पास देखो ए का ऑप्शन ही नहीं है कि ए अकेला, सवाल में बोला है ए अकेले 3 दिन काम करता है। यहाँ पर क्या है, ए और बी दिया हुआ, आप बता नहीं सकते ए की क्षमता क्या होगी, बी की क्षमता क्या हो सकती है, बता सकते नहीं बता सकते। ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए 4 हो जाए, बी 1 हो जाए, बी एक हो जाए, बी 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, बहुत समय लगेगा उसको आपको सेटिस्फाई कराने में, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में ही काम करा लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है ए कितना करता, बी कितना करता। तो हम दोनों को साथ में काम करा लेंगे, यानी दोनों अगर मिलकर 5 काम करते हैं और 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया, तो इसको दोनों को साथ में काम करा देते हैं, दोनों को क्या करेंगे साथ में काम करा देंगे। तो देखो 5 काम कर रहे हैं दोनों, 3 दिन में कितना करेंगे, 5 से 15। अब सुनिए, ए का 3 दिन का काम हो गया, ए का 3 दिन का हो गया, बी का, अब सवाल में बोला बी ने 4 दिन किया है, तो बी इसके साथ लग गया ना, यहाँ पर किसने काम किया, ए प्लस बी ने 3 दिन किया है, तो यानी ए का भी 3 दिन का हो गया, बी का भी 3 दिन का हो गया, लेकिन बी सवाल में दिया है बी 4 दिन में करता है, बी का 1 दिन का काम बचा है। अब 1 दिन वो किसके साथ करेगा, सी के साथ, यानी अब बी व सी काम करेंगे, तो बी व सी काम करेंगे, तो दोनों मिलकर 9 कर रहे हैं, और कितने दिन काम करेंगे, 1 दिन, तो कितना काम कर दिया, 9 × 1 = 9, 15 और 9 कितना हो गया, 24, बचा कितना, 60 में 24 घटाओगे, 36 काम बचा है। अब सवाल में बोला है कि सी ने शेष काम 7 दिन में किया, सी ने शेष काम 7 दिन में, तो सी 1 दिन तो इनके साथ लग गया, सी 1 दिन बी के साथ लग गया, यानी सी का कितने दिन का काम बचा है, 6 दिन का, तो 36 काम अगर 6 दिन में करा तो 1 दिन में कितना करेगा, 6, यानी सी की क्षमता 6 आ गई। अगर सी की क्षमता 6 आ गई तो सी का मान यहाँ 6 रखोगे तो बी का कितना आ जाएगा, 3, ये आंसर नहीं आया, सी की कार्य क्षमता ही है, सी की क्षमता 6 आ गई तो बी की कितनी आएगी बताओ, 3 आ जाएगी बी की, कैसे, यहाँ पर रखोगे ना C बराबर 6 रखोगे तो B कितना आ जाएगा, तो B और C 9 है, तो C 6 घटा लो कितना आ जाएगा, B 3, अगर B 3 है और A और B 5 है तो A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 5, A कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ में आएगा, देखो C की 6 निकाली हमने, तो अगर C यहाँ पे 6 है तो B कितना होगा, 3, और अगर यहाँ पे B 3 है तो A कितना होगा, 2 + 2 = 5। अब जिसका पूछे ए का पूछे ए कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड, बी कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड, सी कितने दिन में करेगा, 6 से डिवाइड कर देगा, ठीक है, जिसका पूछेगा कि ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला सी